हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ, आपके भी फ़ोन में इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, देख सकते हैं कीप ऐप वाला ऑप्शन आ रहा है, इस टाइप का एरर आ रहा है, देख लीजिए। तो इस एरर को कैसे प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, और ये ऐप है जो कि ओपन करते हैं तो ओपन नहीं होता है, बार बार बैक हो जाता है, तो इस ऐप्स को प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना आपको बताऊँगा। तो आप जब भी इस ऐप देख सकते हैं, मेरे जो फ्रेंड है उसने ये भेजा है मुझे और उसमें बता रहा है, मैंने डाटा क्लियर करके भी देख लिया है, तो आप देख सकते हैं परमिशन सारा अलाउ और ऑन ऑफ़ करके भी देख लिया, पर इसने डाटा क्लियर नहीं किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा क्लियर भी इसने करके देख लिया है, तो ये मेरे को किसी और ने वीडियो भेजा है, ठीक है, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक फ़ोन का अपना अलग अलग फ़ीचर्स होता है, अलग अलग तरीका होता है जिससे आप अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, आप कोई सा भी फ़ोन हो आपका, उसमें अगर ये ओपन नहीं हो रहा है, बार बार बैक हो रहा है, तो आप अपने फ़ोन को आप जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स करने का पाँच तीन चार है जो ऑप्शंस है जो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको डाटा क्लियर करना है आपको, जैसे इसने किया है, और उसके बाद इसने डाटा क्लियर करने के बाद इसने एक बड़ी मिस्टेक कर दिया है जो कि आप लोगों को भी नहीं करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये बार बार ये ओपन कर रहा है, नहीं हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा फ़ोन है, ठीक है। तो हर एक फ़ोन का अलग अलग फीचर्स होता है, तो आप अपने फ़ोन में कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा अलग फ़ोन है, मेरा वाला, ठीक है। तो मान लीजिए ऐप्स है ब्रॉडकास्ट, इसको दबा के रखा, ऐप इन्फो पे क्लिक किया, और यहाँ पे स्टोरेज नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से डाटा क्लियर कर दिया, ठीक है। और सेकेंड मेथड है जो कि आपको क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर को ओपन करना होगा, और ये ऊपर में वो दिखेगा प्रोफाइल, उसके बाद मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे आपको देखें सेकेंड वाला ऑप्शन देख सकते हैं मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस, इस पर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक बार फिर से कर देता हूँ, बैक हो गया, मैनेज एंड ऐप्स डिवाइस, और ऊपर में देख सकते हैं ओवरव्यू के बगल में मैनेज दिख रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पे जितने भी ऐप्स वगैरह दिख रहा है आपको, इनमें से जो भी ऐप्स में प्रॉब्लम आ रहा है उस ऐप्स को अपना ओपन करके अपडेट कर लीजिए, या तो आप सभी को आप सेलेक्ट करके यहाँ से अपडेट कर सकते हैं या फिर एक को कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट पर मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, ओपन कर लिया मैंने G5 मूवी सीरीज़ शो वगैरह, तो इसको आप इस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसको कैंसिल कर दिया, उसके बाद यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग में जाना होगा, सेटिंग में जाने के बाद अबाउट सेटिंग में जा करके आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता है तो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर ये अबाउट सेक्शन नहीं मिलता है तो डायरेक्ट सेटिंग में जाइए और सर्च बार में लिख दीजिए अपडेट, सिस्टम अपडेट लिख दीजिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, हाईलाइटेड कर देगा, उसको ओपन करके आप इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लीजिए। ऐसा करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा, और फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ में अगर कमेंट करते हैं तो अपने मोबाइल का मॉडल नंबर ज़रूर बताएं कि आप कौन सा मोबाइल कौन से कंपनी का कौन सा मॉडल नंबर यूज़ करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।